सब्सक्राइब करिए जॉब लगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल joblagi.com पर। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज ना तो कोई जॉब वैकेंसी मैं लेकर के आई हूँ, ना ही कोई बिजनेस आइडिया लेकर के आई हूँ। आज ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए खास है जो कि अभी भी जिन्होंने 12th जो है पास करने वाले हैं, 12th के एग्जाम देने वाले हैं और उनके पास पैसे नहीं है, तो वो अपने लिए करियर अपॉर्चुनिटी कैसे बनाए। जी दोस्तों, कई सारे बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो प्राइवेट में ही रह करके कई सारे कोर्सेस करते हैं और कई सारे बच्चे होते हैं जो आगे के लिए पढ़ाई भी करते हैं। ये सारे मेथड सही है, ये सारी चीजें सही है अगर आपके पास पैसा हो। लेकिन अगर आपके पास पढ़ने के लिए पैसे ही नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। दोस्तों आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि क्या आपके लिए ऑप्शंस रह जाते हैं जब आपके पास पैसे नहीं होते। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल joblagi.com सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पे पार्ट टाइम इनकम, फुल टाइम इनकम, बिजनेस आइडिया और प्राइवेट सेक्टर की सारी जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी। तो गाइस बेसिकली बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो बेसिकली दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि 12th के बाद कई सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। अगर आपके पास पैसे है तो आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगी कि इस दुनिया में जिस इंसान ने मेहनत करना सीख ली, जिस इंसान ने अपना एम डिसाइड कर लिया कि आगे चल के उसे करना क्या है और पूरी मेहनत से वो काम करने लग गया, तो समझ जाइए आपकी उस इंसान को सफल होना ही होना है। लेकिन जब पैसे नहीं है तो हम अपने एम के तरफ उस तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हमें क्या करना है क्या नहीं करना हमें समझ में नहीं आता। तो सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, अगर आप किसी बड़ी सिटी में रहते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आप BPO सेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं। डेटा एंट्री की कई सारी जॉब्स होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बड़े शहरों में ये बातें होती है कि आप कभी भी नौकरी लेने जाते हैं तो आपसे पैसे चार्ज कर लिए जाते हैं, तो आपको इन सब चीजों से दूर रहना है। आपको सिर्फ 12th के बाद अपनी स्किल्स डेवलप करनी है। आप भूल जाइए कि आपको पैसा कमाना है या आपको बहुत जल्दी पैसा कमाना है, ये सारी चीजें आपको सोचनी ही नहीं है। तकरीबन 3 से 4 साल आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स जो है वो डेवलप करनी है। अब वो स्किल्स कैसे डेवलप होगी मैं आपको बता देती हूँ। अब वो स्किल्स कैसे मिलेगी, ऑब्वियसली बात है जब आप किसी के पास जाएंगे सीखने तभी आपको जो है स्किल्स मिलेगी। लेकिन आपके पास पैसे नहीं है तो कोर्स कहां से करेंगे, स्किल्स कहां से डेवलप करेंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं, बड़ी बड़ी कंपनी इंटर्नशिप हमेशा हायर करती है जिसमें वो आपको स्टाइपेंड भी देती है, ज्यादा पैसे नहीं देते, तकरीबन 4,000 से लेकर के सिर्फ 8,000 रुपए तक की जो है आपको स्टाइपेंड दिए जाते हैं और आपको काम लेकिन पूरा सिखाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कंपनी को देखो आपसे काम निकलवाना होता है, उसका ऐसा काम आपको करना होता है जो कि जिसके लिए कंपनी लोगों को ज्यादा सैलरी नहीं दे सकती, लेकिन हाँ ऐसे लोगों को हायर कर सकती है जो कि थोड़े से पढ़े लिखे हो, स्किल्ड हो और आगे जो है कुछ करना चाहते हो। अब जब आप अपनी स्किल्स इस तरीके से देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट का एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। आपने 12th पास कर ली, अब आप CA या CS की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको आपकी नहीं है वो स्किल्स, आप नहीं पढ़ पा रहे, ना ही आपके पास कोई कोचिंग सेंटर है, बार बार फेल हो रहे हैं और कुछ मतलब नहीं हो रहा, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक इंटर्नशिप जो है अच्छी जगह कर सकते हैं और उसके बाद अपनी स्किल्स डेवलप करने के बाद एज एन अकाउंटेंट किसी भी बड़ी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, कंपनी में हर एक लेवल के बंदे की जरूरत होती है और हर एक लेवल का बंदा कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम साइंस बैकग्राउंड के वाले बच्चों की बात करें तो उनके लिए भी जरूरत होती है, अगर हम कंप्यूटर वाले बच्चों की बात करें तो वहां पर भी कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइस काफी सारी फील्ड है जिसमें आप अपनी फील्ड को पहले चूज करिए, उस पे कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है यानी कि कैसे उसकी स्किल्स आपको मिलेगी पहले उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है तो आप पैसा नहीं कमा सकते। गाइस ये 2021 है, इसमें सारी चीजें
पॉसिबल है, सिर्फ आपको अपने आप को देखना है, सही मेथड देखने और कई सारा टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज बोला आपको कि मैं $1,000 एक दिन के कमाती हूँ तो कल से ही मैं कमाना स्टार्ट कर दूंगी, ऐसा नहीं है। 10 सालों की मेहनत लगी होती है, 5 साल की मेहनत लगी होती है, उसके बाद एक टाइम आता है कि हम आज के टाइम पर इतना पैसा अर्न कर पाते हैं। तो गाइज आपको भी यही स्ट्रेटेजी अपनानी है, आपको इंटर्नशिप्स देखनी है और इंटर्नशिप के लिए मैं आपकी मदद करने वाली हूँ joblagi.com पर। आज ही से हम लोगों ने स्टार्ट किया है इंटर्नशिप प्रोग्राम। आपको बड़ी बड़ी कंपनियों की जो इंटर्नशिप है जो ऑल ओवर इंडिया हर जगह आती है वो आपको joblagi.com पर देखने को मिल जाएगी। आप अपनी अकॉर्डिंग, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आपको वो मिलेगी, अगर आप किसी CACS के अंडर जो है इंटर्नशिप करना चाहते हैं आपको वो भी मिल जाएगी, अगर आप इवेंट मैनेजमेंट में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी, सॉफ्टवेयर की लाइन में अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगी, IT की लाइन में अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो गाइज आपको सिर्फ स्किल्स डेवलप करनी है पहले आफ्टर 12, उसके बाद आपको सोचना है, अपने आइडियाज लेकर के आने हैं। जब आपकी स्किल्स आपके पास अच्छी होंगी तो आप कोई भी आइडिया अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। विदाउट स्किल्स दोस्तों अगर आप चलेंगे तो गिर जाएंगे और गिरने के बाद उठने में काफी टाइम लग जाता है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दीजिए और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप हमारा YouTube चैनल joblagi.com सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और चीज दोस्तों मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कभी भी प्राइवेट सेक्टर में कोई भी आपसे पैसे चार्ज नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, कई सारे लोग हैं जो आपसे पैसे चार्ज करते हैं, आपको लूटते हैं, आपको जॉब दिलाने का वादा करते हैं, तो आप इनसे बचिए, 100% सिक्योरली अप्लाई करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये प्राइवेट सेक्टर का चैनल है, यहाँ पर डेली आपको जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है प्राइवेट सेक्टर की। तो अगर आप आगे चल के प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।